कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट टिहरी पहुंचे, जहां ज्योत बिष्ट ने सरकार पर आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि पंचायतों के बैंक खाते जबरदस्ती एक प्राइवेट बैंक शाखा में खुलवाए जा रहे हैं। इस बैंक की अभी तक ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों में कोई शाखा नहीं है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्योत बिष्ट ने बैंक में खाते खुलवाने के पीछे सरकार के बड़े घोटाले की आशंका जताई है। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार गरीबों के हितों के लिए नहीं सोच रही, सिर्फ अपने हितों के लिए सरकार के मुख्य से लेकर मंत्री और विधायक सोच रहे हैं, जो कि सरकार के लिए इससे शर्म की बात हो ही नहीं सकती। बड़े घोटाले की क्यों आ रही है? एक इंडसइंड बैंक जो प्राइवेट बैंक है, राज्य की 7,795 ग्राम पंचायत, 95 क्षेत्र पंचायत और 13 जो जिला पंचायत के बैंक खाते हैं, इन सारे खातों को हमारे पंचायत राज मंत्री ने बाकायदा एक आदेश निकाल करके और पंचायत के प्रतिनिधियों पर दबाव बना करके इस बैंक में खोलने के लिए बाध्य किया। मेरी जो जानकारी है उसमें सही गलत कितना है मुझे नहीं, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि इस बैंक की अभी तक केवल जिला मुख्यालयों पर एक एक शाखा है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे जो बड़े शहर हैं, वहां हो सकता है कि एक से अधिक शाखाएं हों, लेकिन वो शहरी क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान जिसको आने जाने के लिए कोई मार्ग भी नहीं मिलता है, उसको अगर खाता इंडसइंड बैंक में होगा तो उसके लेन देन के लिए अगर वहां आना पड़ेगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो सरकार एक प्राइवेट बैंक में पंचायतों को खाता खोलने के लिए मजबूर करके किसको लाभ पहुंचाना चाहती है, ये हमारा सवाल है। इसके अलावा ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि जिलों में बनाए गए कोविड केयर सेंटरों में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। इन केंद्रों में भर्ती व्यक्तियों की डॉक्टरी जांच भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रही। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कोविड केयर सेंटरों में मरीजों को घटिया भोजन दिया जा रहा है, साथ ही यहां पर साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी धन का उपयोग मरीजों की उचित व्यवस्था और इलाज पर खर्च नहीं हो रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्य प्रकाश रमोला की रिपोर्ट।